अब इन तमन्नी के हाथ में सिर्फ झुनझुना और बाद में कटोरा हुई। आप देख ही सकते हैं कि फिल्म में मैंने किस तरह इनको हैंडल किया है अपने बिगड़े हुए पति को। शादी नहीं है आपके लिए, आप इतना समझ इस चीज़ से कि शादी कैसे बन जाता है। हाँ, ये तो अपना लक है, बाकी ऊपर वाला क्या चाहता है। शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं ऐसी फिल्म देख के अगर पति ऐसा मिले तो मैं शादी करना भी नहीं चाहूँगी। मुझे शादी करने के लिए एकदम सीधा साधा और अच्छा लड़का चाहिए जो मुझे समझ सके। आपने एक्सपीरियंस कर कितना यहाँ पे रियलिटी में पूरा जो जो चीज़ें इस फिल्म में फिल्म के हीरो के साथ हो रही है वो सारी चीज़ें मेरे घर पे मेरे साथ होती है। ओह माय गॉड, क्या आदी। मैं आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या सोच के नाम आप मेरा नमस्कार। ये जो शादी करके फंस गए यार, इसमें बहुत सारे अपने ऊपर समझने की बात है कि जोड़ी कैसी होनी चाहिए। और ये पिक्चर में वही दिखाया है कि जो जोड़ी होती है वो अपने ऊपर निर्भर रहता है कि अब मियाँ बीवी कैसे रहना चाहिए। बिल्कुल राइट। आप पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिक्स से मैं सबसे ये टाइटल पे नहीं, ये जरूरी था आजकल के बच्चों के लिए। घर घर में पहुँचना बहुत जरूरी है, घरेलू फिल्म बनाई। आजकल का जो चल रहा है आजकल के बच्चों नव युगों में वो दिखाना जरूरी था। कैसे झगड़े होते हैं, कैसे झगड़े होते हैं मियाँ बीवी में, किस तरह चलते हैं, अगर जो पति नहीं कमाते हैं उनको कैसे बीवी हैंडल करती है। नहीं ऑब्वियसली पढ़ी लिखी लड़की है तो कमाना भी चाहिए। लड़कियां किसी चीज़ में आज की डेट में कम नहीं है, लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी है। और फिर जिसका पति ना कमाता हो, ड्रिंक करता हो, तो महिलाओं को तो स्टेप उठाना ही पड़ेगा ना, घर छोड़ के बाहर जाना ही पड़ेगा। और यही है कि जो पति नहीं कमाते हैं वो ये महिलाएँ लेके जाए और फिल्म दिखाए कि उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, और जो कमाती हैं वो तो फिल्म खुद ही देख सकती है। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी पूरी फैमिली को कि इन्होंने बहुत अच्छी भोजपुरी को फिल्म दी, एंड थैंक यू सो मच मम्मी जी, और बहुत अच्छी फिल्म दी है और घरेलू फिल्म दी है जो हर घर की कहानी है, मेरे घर की, आदित्य जी के, इनके घर की, आपके भी घर की कहानी है, एक रियल कहानी है। तो मैं बहुत बहुत अच्छा है, ऐसे प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत है जो फैमिली फिल्म बनाए ताकि माहौल थोड़ा सा चेंज हो भोजपुरी का जो आजकल चल रहा है। अच्छी पहल है, बहुत अच्छा मुद्दा उठा रहा है। हम लोग जनरली देखते हैं कि भोजपुरी में जो फिल्में बनती हैं उनमें कोई मुद्दा नहीं होता, तो कुछ हट के कोशिश की गई है और इसके लिए मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। और दर्शकों को भी खुशी होनी चाहिए कि ऐसे प्रोड्यूसर आए और उन लोगों को एक हट के अलग फिल्में उनको देखने के लिए मिली। मम्मी आपसे जानना चाहेंगे उत्तर भारतीय आने वाले दिनों में आपकी नजर। एक काम तो सिर्फ मैंने मेरे बेटे और बहू को दी और हमारे बच्चे नेहा आदित्य जी और इनकी पूरी टीम, इन लोग के पास सौंपी हूँ मैं, ये आगे बढ़े और अच्छी इससे ये जो पिक्चर बनी है इससे और आगे बढ़ के और पिक्चरें बनावें जिससे उत्तर प्रदेश का और यूपी वालों का नाम हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमारे प्रोड्यूसर एकदम फैमिलियर थे सेट पे, बहुत अच्छे से रखा। और अजय झा जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया, आदित्य जी ने बहुत अच्छा कॉपरेट किया, बहुत अच्छा लगा हमें काम करके साथ में। और थैंक यू माय डियर डार्लिंग मॉम जिन्होंने मुझे लाइक समझा और मुझे इस कैरेक्टर को प्ले करने का जिम्मा दिया। थैंक यू सो मच।